भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बुधवार को 19वें एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय दल ने एशियाई खेलों में कुल 107 पदक जीते हैं, इसमें से 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज समेत कुल 20 मेडल भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने जीते हैं। एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सेना के जवानों की तारीफ करते हुए सेना प्रमुख ने रोइंग और नौकायन जैसे खेलों का जिक्र किया, जिसमें सेना के जवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कई नए डिसिप्लिन्स जैसे सेलिंग, कनोइंग और रोइंग में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था और ये एक चीज को दर्शाता है कि जो कई हमारे पहले इवेंट्स थे जिसमें हम हमेशा अच्छा करते थे, उसको हटकर भी हमने बाकी डिसिप्लिन्स में ना सिर्फ भाग लिया है पर कई मेडल्स भी हासिल किए हैं। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और पुरुषों की भाला फेंक में विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भरोसा जताया कि भारत भविष्य में कई विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करेगा। बिल्कुल अच्छा लगा, आर्मी चीफ से मिलके सर काफ़ी अच्छे से मोटिवेट कर रहे थे और सभी जितने भी हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं और जितने भी आर्मी के खिलाड़ियों से मिला तो हमेशा मोटिवेशन मिलता है सभी से मिलके, और वही था कि काफ़ी योगदान रहा आर्मी का जो एशियन गेम्स के मेडल्स हैं उसमें, तो अच्छा लगता है हमेशा मिलके सभी से। नीरज चोपड़ा से कई अच्छे खिलाड़ी आने वाले हैं तो, पर मुझे ये खुशी है कि अभी साथ में ना केवल मैं, जैसे जेना आया और भी अच्छे अच्छे एथलीट साथ में आएंगे आगे जाके, तो बिल्कुल नीरज तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है, नीरज से भी अच्छे खिलाड़ी आएंगे। निशानेबाजी में रजत पदक हासिल करने वाले प्रीति रजक और स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले अविनाश साबले ने बताया कि कैसे भारतीय सेना खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है। आर्मी मुझे फॉरेन कोच प्रोवाइड कर रही है, अभी अभी उन्होंने किया है तो फॉरेन कोच और अभी नेक्स्ट मेरा फॉरेन कैंप भी प्रोवाइड करेगी। मेन टारगेट तो यही है कि जो आर्मी का भी ये है जो मिशन ओलंपिक स्कीम है, तो आर्मी की तरफ से हमें स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जैसे वो हम एक मतलब नॉर्मल सोल्जर से लेके उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स तक पहुँचाया मतलब यहाँ तक, तो मतलब जो मिशन ओलंपिक स्कीम है उसमें और फिर हमारा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे में, तो आर्मी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती है हमेशा। भारतीय सेना ने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए साल 2001 में खुद का मिशन ओलंपिक विंग MOW स्थापित किया था, जो खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।